जी टाइटल देखें, क्या हम डिजाइन करने जा रहे हैं, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, राइट क्वेश्चन देख लें जो पेपर में आ सकता है, राइट एसओपी एक्सप्रेशन। फ्रॉम द ट्रुथ टेबल, फ्रॉम द ट्रुथ टेबल, ये क्वेश्चन है जी। और ट्रुथ टेबल गिवन है, उसमें ए जो है वो फर्स्ट वेरिएबल है हमारे पास, उसके बाद बी जो है वो सेकंड वेरिएबल है, और दीज आर द इनपुट्स, उसके बाद फंक्शन को हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो उसकी आउटपुट आएगी, और यहाँ पे वन है, सपोज कर लेंगे हमारे पास पहले दोनों कॉम्बिनेशन जीरो हैं, और जब आपने जीरो से स्टार्ट करना है तो पहले दो पॉसिबिलिटी पहले वेरिएबल में जीरो रखनी है, ये जीरो जीरो और नेक्स्ट में वन वन, कॉम्बिनेशन आसान हो जाएगा जरा, ठीक है। और सेकंड में जब स्टार्ट करना है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट किया तो यहाँ भी जीरो रखना है, और अगली पॉसिबिलिटी में वन आ जाएगा, फिर अगली में जीरो आ जाएगा और अगली में वन आ जाएगा। और आउटपुट में यहाँ पे क्या है, सपोज ये गिवन है, ये आपने अपनी मर्जी से नहीं लिखा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा और फंक्शन उसने दिया होगा। अब इसका एक्सप्रेशन क्या बनता है वो हम देखते हैं जरा, एसओपी एक्सप्रेशन राइट करना है फ्रॉम द ट्रुथ टेबल। ये आउटपुट वन गिवन है, उसके बाद यहाँ पे वन गिवन है, इधर जीरो गिवन है, और यहाँ पे वन गिवन है, और एसओपी की फॉर्म में हमने क्या लिखना होता है, प्रोडक्ट टर्म लिखनी होती है, उनका सम करना होता है। अब प्रोडक्ट को याद रखने के लिए आपने एक इम्पोर्टेंट चीज कैरी करनी है कि प्रोडक्ट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, वन होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब जब मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट वन है तो जी 47 ऐड है, 46 जो है वो ऐड है इसके अंदर, बाकी किसी की फ्यूज नहीं है जी। ये क्वेश्चन गिवन है बेटा जी, इसके अंदर हमने सिंपल एक चीज पे फोकस करना है कि आपने प्रोडक्ट टर्म्स फाइंड आउट करनी है, जिनको मिन टर्म्स भी कहते हैं, और प्रोडक्ट का आइडेंटिटी एलिमेंट वन होता है, दैट्स व्हाई आपने यहाँ पे वन के ऊपर फोकस करना है। ये फंक्शन है हमारा, मतलब ये आउटपुट है फंक्शन की, दीज आर द टू इनपुट्स, और वन कहाँ पे है, इस साइड पे फॉल कर रहा है और इस साइड पे फॉल कर रहा है, यहाँ से हम प्रोडक्ट टर्म डिजाइन करेंगे। वेरी सिंपल, प्रोडक्ट हम किस तरह से डिजाइन करनी है, आपने ये पेयरिंग उठानी है इस वाले कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट, सेकंड वन के अगेंस्ट, और ये वाली पेयरिंग उठानी है पहले वन के अगेंस्ट। फंक्शन में जहां पे आउटपुट में वन होगा उधर से आप फ्रॉम द लेफ्ट साइड प्रोडक्ट हम फाइंड बनाएंगे और उन वेरिएबल्स को इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने बोला कि जब एसओपी लिखा जाएगा तो वेरिएबल ए के लिए हम, या उसका कॉम्प्लीमेंट अगर नहीं है वेरिएबल का तो उसको हम क्या यूज करेंगे, वन की जगह ए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। और अगर ए कॉम्प्लीमेंट होगा, या अगर आपने ए कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो उसके अगेंस्ट क्या पड़ा होगा, जीरो पड़ा होगा। तो अगर ट्रुथ टेबल में वन है सिंपल वेरिएबल आएगा, अगर ट्रुथ टेबल में जीरो पड़ा हुआ है तो उसका उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब पहले को देखते हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन, या आउटपुट में वन यहाँ पे है, इसके अगेंस्ट ये चीज पड़ी हुई है। यहाँ पे देखना ए की वैल्यू जीरो है, ये ए वेरिएबल है और इसकी वैल्यू यहाँ पे जीरो है, तो क्या लिखा जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, और इसके साथ ही बी की वैल्यू आपने देखनी है, ये बी वेरिएबल है, ये इसकी वैल्यू है वन है, दैट्स व्हाई बी जो है वो सिंपल फॉर्म में आएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म, क्या बनाने के लिए, एसओपी एक्सप्रेशन राइट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट ये आउटपुट है हमारे फंक्शन की,
इसमें अगले नंबर पे वन कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इधर से आप एक प्रोडक्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। इनके अगेंस्ट जो वेरिएबल्स हैं ये वाले, और ए वेरिएबल ये है, इसकी वैल्यू वन है यहाँ पे, और बी वेरिएबल ये है, इसकी वैल्यू भी यहाँ पे वन है, दैट्स व्हाई आपने ए भी सिंपल फॉर्म में लिखना है और बी भी सिंपल फॉर्म में लिखना है। ठीक हो गया, ये हमारा सेकेंड प्रोडक्ट टर्म। अब एसओपी एक्सप्रेशन फॉर फंक्शन वाई क्या लिखा जाएगा? जी दैट इज अ वाई बूलियन फंक्शन राइट करना है, जो आपने सिंप्लीफाई करना सीखे थे वो पूरा एक्सप्रेशन हम रिल के लिख रहे हैं। और मैंने बोला था कि वाई फंक्शन है, किन वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, ब्रैकेट लगा के फ्रेंड्स आपने यहाँ पे उनके नाम भी लिख सकते हैं। फंक्शन वाई ऑफ ए एंड बी टू वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, मतलब टू इनपुट वेरिएबल्स दो हैं ए और बी। और इज इक्वल टू फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म या फर्स्ट प्रिंट टर्म क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी, प्लस सेकेंड प्रिंट टर्म या सेकेंड प्रोडक्ट टर्म क्या है, ए बी। और इनके दरम्यान में आप डॉट भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये प्रोडक्ट टर्म है, यहाँ भी डॉट अप्लाई कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट टर्म है और ये फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म है, ये सेकेंड प्रोडक्ट टर्म है, उनके बाद ये क्या है, इनका सम है, दैट इज कॉल्ड एस ओ पी, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है और उनका दरम्यान में सम है। तो ये है जी हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, कि एक टेबल गिवन था उसका आपने क्या डिजाइन किया है, एस ओ पी एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है और फर्दर हम जब हैवी कैलकुलेशंस करेंगे तो उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल होगा। जी अभी कुछ बात की समझ आई है, फीडबैक दीजिएगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ। कॉन्सेप्ट समझ आया या रिपीट कर दूं, क्योंकि इसको हमने एक और फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो नेक्स्ट वो फिर आपको समझ आ जाएगी। ओके, ट्रू टेबल की तो बात समझ आ रही है, ये ट्रू टेबल गिवन है, इसका हमने खुद से कुछ नहीं किया, दो वेरिएबल है, एक ए है दूसरा बी है, और इस साइड पे आप ये भी लिख सकते हैं कि इनपुट है, बास बुक्स पे आपको लिखा नजर आएगा आई पी इनपुट है, ये साइड इनपुट वेरिएबल्स की है और ये क्या है, आउटपुट है फंक्शन की, और इनपुट वेरिएबल ए है दूसरा बी है, टू इनपुट्स हैं। और हमने पढ़ा था एमसीक्यू पॉइंट ऑफ वैल्यू के लिए कि टू रेस पावर टू, दो वेरिएबल हैं तो क्या बनेगा, फोर, मींस के जो ट्रुथ टेबल डिजाइन किया जाएगा उसमें वैल्यूज कितनी होंगी, फोर कॉम्बिनेशन होंगे, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ठीक है, दो वेरिएबल्स के लिए। अगर तीन वेरिएबल होंगे तो टू रेस पावर थ्री एट बनेगा, दैट विल बी एट कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट उस पर भी काम करेंगे। उसके बाद आउटपुट भी गिवन है, जीरो है, वन है, जीरो है और वन है, ठीक है, ये कुछ भी फंक्शन हो सकता है, हमें इसका नहीं पता क्या है या कौन सा गेट फॉलो किया जा रहा है, क्या चीज लिखी जा रही है, सिंपल हम इसको कन्वर्ट करना सीख रहे हैं किसमें, जी हम कन्वर्ट करना सीख रहे हैं इसको एसओपी एक्सप्रेशन। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट टर्म्स फाइंड आउट करनी है, उनका सम करना है आपने, एस ओ पी सम ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम द टू टेबल और वहां से हम सम कर लेंगे उनका, तो सम ऑफ प्रोडक्ट हमारा एक्सप्रेशन फाइंड आउट हो जाएगा, बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे जी। सबसे पहले वन पे आना है आपने, प्रोडक्ट टर्म के लिए मैंने बोला कि आइडेंटिटी एलिमेंट वन होता है मल्टीप्लीकेशन का, प्रोडक्ट का, दैट्स व्हाई वन पे काम करना है आपने, और आउटपुट में फंक्शन में वन कहाँ कहाँ पे है वो देखना है आपने, तो सेकेंड रो में आपको वन मिल रहा है और फोर्थ रो में वन मिल रहा है, इसके अगेंस्ट आपने इनपुट वेरिएबल्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अब इनपुट वेरिएबल पहला कौन है, ए, उसकी वैल्यू जीरो है, दैट्स व्हाई उसका कॉम्प्लीमेंट लिखा जा रहा है, उसके बाद बी जो है वो
वन है, दैट्स व्हाई उसको सिंपल फॉर्म में लिखा जा रहा है। ये पहला प्रोडक्ट हमारा डिजाइन हो गया। उसके बाद इसी तरह से जो लास्ट पे देखें तो ए वेरिएबल सिंपल फॉर्म में लिखा जा रहा है बिकॉज वो वन था उसकी वैल्यू, बी वेरिएबल की वैल्यू भी वन है, दैट्स व्हाई इसको भी सिंपल फॉर्म में लिखा जा रहा है। ये हमारी सेकेंड प्रोडक्ट टर्म हो गई, ठीक है। जी उसके बाद फिर इनका आपने क्या करना है, सम करना है। तो फंक्शन लिखने का तरीका, y आउटपुट है, y फंक्शन का नेम है, उसके बाद किन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, a और b पे फोकस कर रहा है, इक्वल साइन, पहला प्रोडक्ट हम ये वाला a कॉम्प्लीमेंट b और प्लस ये वाला सेकंड प्रोडक्ट टर्म या सेकंड मिन टर्म ए बी। तो ये कलेक्टिवली हम इसको क्या बोलेंगे, a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ए बी, इट मीन्स के ये क्या बनेगा, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ये पहला प्रोडक्ट टर्म था, ये दूसरा प्रोडक्ट टर्म था, हम तो उनको सम कर दिया, दैट इज आल्सो कॉल्ड एसओपी या सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब इसकी अगर हम वैल्यूज देखते हैं, जो बाइनरी टेबल्स आपने पढ़े थे कन्वर्जन से पहले, उसको जरा फोकस करना आपने। हाँ जी, अब देखें इसकी वैल्यू जीरो बन रही है हमारे पास बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, उसके बाद इसकी वैल्यू वन बन रही है क्योंकि वो सिंपल फॉर्म में है, उसके बाद ये दोनों वन वन है क्योंकि सिंपल फॉर्म में है। और बाइनरी कोड अगर आप याद करते हैं तो वन जीरो वन किसका बनता है, वन का बनता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो बाइनरी कोड बनता है हमारे पास वो किस चीज का बनता है, 113 का बनता है, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन जो हमने अभी डिजाइन किया है लिखा है वो कुछ इस तरह से भी आपको पेपर में दे सकता है, इसकी भी आपको आइडेंटिफिकेशन या पहचान होनी चाहिए। y इज अ फंक्शन और किस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल a कॉमा b के बाद इक्वल साइन, नेक्स्ट सम ऑफ मिन टर्म्स, दैट इज अ समेशन, मिन टर्म्स के लिए हम स्मॉल वेरिएबल m यूज करेंगे, ऑफ पहला वन है और कॉमा दूसरा थ्री है। ये न्यूमेरिकल फॉर्म में भी एक्सप्रेशन या बूलियन फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह भी आ सकता है, ठीक है जी। इसको आपने लाजमी जरा देख लेना है। और जी दोबारा से यहाँ पे फंक्शन का नेम एज इट इज ऊपर से हमने उठा लिया, इक्वल साइन आगे, फिर ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम के लिए हमने लिखा है, समेशन वेरिएबल समेशन का सिंबल यूज किया है, उसके बाद सम ऑफ मिन टर्म्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं, और प्रोडक्ट को मैंने बोला क्या बोल रहे हैं हम लोग, मिन टर्म्स कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सम ऑफ मिन टर्म्स इन टू, आगे फिर ये इनकी वैल्यूज उठानी है आपने, ए कॉम्प्लीमेंट बी, मतलब ए का जीरो है क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट है और बी की वैल्यू एज इट इज है वन है, प्लस उसके बाद ए है और बी है वन वन है, और ये किसकी फॉर्म आ रही है हमारे पास, ये वन की बाइनरी कोड है और ये थ्री का बाइनरी कोड है। नहीं याद इसको तो आपने वो टेबल रिकॉल कर लेना जो मैंने पहले एक दफा करवाया था आपको ना, और ये वन है इसको लिख दिया कॉमा, उसके बाद फिर ये लिख दिया। और अगर हम यहाँ पे देखें इस टेबल के अंदर तो ये एम नॉट आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं बिकॉज ये जीरो जीरो किसकी बाइनरी कोड की वैल्यू है, जीरो की, ठीक है। उसके बाद ये जीरो वन इसका बाइनरी कोड है वन का, तो आप इसको M1 कह सकते हैं। उसके बाद 10 ये 2 का बाइनरी कोड है, इसको आप M2 कह सकते हैं। और ये 113 का बाइनरी कोड है, इसको आप M3 कह सकते हैं, ठीक है। मिन टर्म्स की इंडिकेशन बता रहा हूं आपको।
और फंक्शन वन कहाँ कहाँ पे है, M1 में और M3 में, ठीक है जी। इसको हम करते हैं सेव, इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। और यहाँ पर इसी को मैक्सिमाइज कर लेता हूँ बिकॉज आपको ना यही चीज नजर आए और कंसेप्ट यही कंटिन्यू रहे। यहाँ से अगर हम फंक्शन लिखना चाह रहे हैं तो क्या होगा जी, हमारे पास y फंक्शन का नेम है और कहाँ कहाँ पे फॉल कर रहा है, M1, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन आउटपुट पे 1 है, प्लस M3, ठीक है। ये दो तीन फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, किसी भी शक्ल में क्वेश्चन दे सकता है। अब देखिए, अगर इस तरह आपको देता है ये वाला फंक्शन कि इसको मिनिमाइज करें, तो फिर इसको कन्वर्ट करना आपने इस वाली फॉर्म में, और फिर मिनिमाइजेशन मैंने जो आपको बताई थी कि स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो करते हुए बूलियन अलजेब्रा के जो एल्गोरिदम्स हैं, थ्योरम्स हैं, उसके या पोस्टुलेट्स हैं या उनके कुछ जो लॉज गिवन थे उनके अकॉर्डिंग हमने इसको मिनिमाइज करना होता है। तो ये फंक्शन गिवन होगा, इस तरह भी पेपर में आया हुआ है, इस फॉर्म में एक फंक्शन गिवन होगा, इसको आप इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाइनरी कोड्स को फॉलो करते हुए, और फिर ये फंक्शन जो हमने ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉलो किए थे, एकदम न्यूमेरिकल आपको इस तरह करवा दूंगा मैं प्रैक्टिस के लिए। हर तरह का काम जो पेपर में आ सकता है, हर तरह की फॉर्म जो आ सकती है, वो सारा इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जी। बेटा यहाँ से आपने क्या ड्राइव किया, फिर इक्वल साइन, और ये समेशन सम के लिए हमने समेशन का सिंबल यूज कर लिया ये। उसके बाद एम एम यहाँ पे मेन टर्म्स हमने कॉमन लिख लिया, सम ऑफ मेन टर्म इसका मतलब हो गया, इनटू अंदर क्या रह गया, ये 1 कॉमा और क्या रह गया, ये 3, ठीक है। तो ये वही फॉर्म बन गई है जो हमने यहाँ पे डिजाइन की थी। तो डायरेक्टली आप टेबल से बजाय इसके कि ये प्रोडक्ट हम लिखें, डायरेक्टली आप M1, M2, M3, M4 लिख के इस तरह से, तो इधर से भी डायरेक्टली फंक्शन को लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिंपल 1 आ जाएगा इसके अगेंस्ट, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट लिख के या सम ऑफ मिन टर्म्स लिख के आगे उसने वेरिएबल्स के नाम लिखते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो एक एग्जांपल लेते हैं और इसी के ऊपर काम करते हैं। इसी तरह की इसको कर लें सेव, और नेक्स्ट पेज लेंगे, क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लें, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन के बाद y है इंटू ए कॉमा बी इक्वल साइन, और यहाँ पे आ हमारे पास सम ऑफ मोमेंटम्स, और ये आप नोट कर लें, आपने खुद से ट्राई करना है। 0 है कॉमा 2 है कॉमा 3 है। अब हम यहाँ से जल्दी से एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन में क्या आएगा, 2 वेरिएबल्स हैं, मतलब इसका कोड क्या बनेगा, 0 0, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट होगा और बी का भी कॉम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद या पहले मैं इसकी वैल्यूज आपको लिख के दिखा दूं, 0 0 है, उसके बाद 1 0 है और 1 1 है, ठीक है। इनके अगेंस्ट आपने वेरिएबल लिख लेने हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, सेकंड में ए सिंपल फॉर्म में बी का कॉम्प्लीमेंट है, और प्लस थर्ड में ए भी सिंपल है। ये एक्सप्रेशन आ गया, इसके ऊपर हमने 15 20 एग्जांपल्स किए थे, इनको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करना ऑप्शन आपको आता है। उसके बाद 1 का जो बाइनरी कोड बनेगा वो 001 होगा, नेक्स्ट में 2 का बाइनरी कोड 0 1 0 है, ये आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। उसमें ना तरीका कार भी आपको बताया था किस तरह से याद रखना है,
पहले 0 है, फिर 1 है, उसके बाद 10 है, फिर 11 है, 11 के बाद 100 है। और जी क्वेश्चन क्या, राइट डाउन द एसओपी एक्सप्रेशन फ्रॉम द गिवन टू टेबल। और ये हम एक तो बाइनरी कोड्स की रिवाइज एग्जाम पे कर रहे हैं, इसकी रिवीजन हो जाएगी हमारी, उसको देखते हैं जरा। उसके बाद फिर साथ ही फंक्शन भी गिवन है, ये गिवन टेबल है, इसमें आपने खुद से कुछ नहीं याद करना। सिंपल ये रिकॉल कर पा रहा हूँ कि जीरो का जो बाइनरी कोड है वो 0003 बिट्स की बात की जा रही है, जीरो से लेके 7 तक जो है वो डिजिट्स हैं, डेसिमल डिजिट, जबकि जीरो का बाइनरी कोड 000 होगा, ए बी सी 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं। उसके बाद 1 का बाइनरी कोड 001 होगा, 2 का बाइनरी कोड 010 है, जिसे हम 10 भी कह सकते हैं याद रखने के लिए, 3 का बाइनरी कोड 011 मतलब 11 है, जिसमें 1 10 का कॉम्बिनेशन आता है। अगर 4 की बात करें तो वो 100 होगा या 100, 5 की बात करें 101, 6 की बात करें तो 110 या 110, और 7 की बात करें तो 111। दीज आर द बाइनरी कोड्स ऑफ द डेसिमल नंबर्स। और नेक्स्ट में फंक्शन गिवन है, ये वाला कि यहाँ पे फंक्शन में 0 है वैल्यू, इधर फंक्शन में 1 है, वह यहाँ भी 0 है, 0 है, 1 है, 0 है, 11 है, ठीक है, ये गिवन है, उसने पेपर में दिया होगा एज इट इज। और हमने पढ़ा था कि अगर एसओपी एक्सप्रेशन लिखना है, एसओपी एक्सप्रेशन के अंदर प्रोडक्ट टर्म्स आपने फाइंड आउट करनी है, इधर आल्सो कॉल्ड मिन टर्म्स, और मिन टर्म्स में किसके अगेंस्ट, फंक्शन में जहाँ पे 1 होगा उधर आपने मिन टर्म्स या प्रोडक्ट टर्म्स फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले सेकेंड रो के अंदर यहाँ पे आउटपुट में या फंक्शन में 1 है, इसके अगेंस्ट हम यहाँ से मिन टर्म बनाएंगे या प्रोडक्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और सी की वैल्यू सॉरी बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू 1 है, ये पेयर आपने उठाना है। और क्या एक बनेगा इसका, ए कॉम्प्लीमेंट। और एक और चीज इम्पोर्टेंट कि अगर सिंपल वेरिएबल होता है तो वो सॉरी अगर 1 है तो उसकी वैल्यू सिंपल फॉर्म में आएगी, मतलब उसको एज इट इज लिखा जाएगा वेरिएबल को। और नंबर नेक्स्ट पे अगर वेरिएबल इधर 0 होगा उसकी वैल्यू तो उसका कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। एक में पेयर यहाँ पे डिजाइन करता हूँ, बनाता हूँ, उसके बाद आपको समझ आएगी बात की। जी यहाँ पे 1 के अगेंस्ट हमने फंक्शन को देखा, तो ये पूरा पेयर आपने उठाना है, ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा, बी जो है उसका भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, और सी जो है वो सिंपल फॉर्म में आएगा, ठीक है। और 3 वेरिएबल्स की बात की जा रही, कल हमने डिस्कस किया था 2 वेरिएबल्स का। उसके बाद नेक्स्ट में आपको प्रोडक्ट टर्म कहाँ मिलेगी, इस वाली रो में, और ए एज इट इज आएगा सिंपल फॉर्म में, बी क्योंकि 0 है उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, और सी का भी कॉम्प्लीमेंट आएगा। उसके बाद जी नंबर नेक्स्ट पे सेकंड लास्ट और लास्ट पे फंक्शन में क्या गिवन है, 1 गिवन है आउटपुट पे, दैट्स व्हाई इस वाले पेयर को देखें, यहाँ पे 1 है मींस के ए आएगा, उसके बाद यहाँ पे 1 है बी आएगा, और ये 0 है यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। उसके बाद ये तीनों 1 है, ए बी सी आएगा, और इसका हम सम कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट देखें इसको कि इसको हम किस तरह से लिखेंगे। जी पहले वाली पेयरिंग क्या थी, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और सी, ये देखें ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें इस वाली फॉर्म में, तो ए सिंपल फॉर्म में बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट, प्लस ए सिंपल फॉर्म में बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, यहां से देखें तो क्या मिलेगा हमें, ए एज इट इज, बी एज इट इज और सी का कॉम्प्लीमेंट, ए सिंपल फॉर्म में, बी सिंपल फॉर्म में और सी का कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में ए बी सी क्योंकि तीनों 1 है, दैट्स व्हाई तीनों वेरिएबल सिंपल फॉर्म में आएंगे, प्लस ए डॉट बी डॉट सी,
ये हमारी जी प्रोडक्ट टर्म है, और ये भी हमारी प्रोडक्ट टर्म है, उसके बाद ये भी प्रोडक्ट टर्म है और ये भी प्रोडक्ट टर्म है, और इन तीनों का हमने किया है सम किया है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। जी नेक्स्ट में देखें, जी अगेन एक और टेबल गिवन है जी, इसके अंदर थ्री वेरिएबल्स हैं दोबारा से, और थ्री वेरिएबल्स का जब आपने टू टेबल डिजाइन करना है तो उसकी उसको भी आपको बनाना आना चाहिए। पहले नंबर पे वेरिएबल ए है, इसकी चार पॉसिबिलिटी में क्या रखा है, जीरो, और अगले चार में क्या रखा है, वन, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बी की बात करें सेकेंड कॉलम की, तो दो में जीरो है और नेक्स्ट दो में वन है, अगले फिर दो में जीरो है और नेक्स्ट अगले दो में वन है। इस तरह से सी वेरिएबल की बात करें, एक जीरो है एक वन है, एक जीरो है एक वन है, ठीक है। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, थ्री वेरिएबल मैंने बोला था टू रेस पार, ये टू रेस पार थ्री बनेगा, और इसका जो आंसर आएगा वो होगा एट, मतलब आठ पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे थ्री वेरिएबल्स के केस में। और जबकि फंक्शन गिवन है, ये जीरो है आउटपुट पे, यहाँ पे जीरो है, इधर वन है, फिर जीरो है, फिर वन 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 है, ये जी फंक्शन हमने बनाना है। इसका भी एसओपी एक्सप्रेशन राइट करना है फ्रॉम द ट्रुथ टेबल, दैट इज अ क्वेश्चन, और इसको भी इग्नोर करेंगे, इसको भी वन पे फोकस करेंगे बिकॉज हमें प्रोडक्ट टर्म चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट तीसरी रो के अंदर जो वन आउटपुट पे है, इसके अगेंस्ट हम फंक्शन राइट करेंगे, मिन टर्म बनाएंगे। जी बेटा जी, यहाँ पे जीरो है, उसके बाद यहाँ पे वन है और यहाँ पे जीरो है, दीज आर द थ्री वेरिएबल्स। ए कॉम्प्लीमेंट आएगा बिकॉज इट इज जीरो, उसके बाद बी एज इट इज आएगा और सी का कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें, ये हमने नीचे वाली रो में डिजाइन की है, इसके अंदर फंक्शन लिखा है, ए का कॉम्प्लीमेंट है, बी सिंपल फॉर्म में है और सी का कॉम्प्लीमेंट है, दैट इज अ प्रोडक्ट टर्म और मिन टर्म। अगेन नेक्स्ट आपने आना है इस वाली रो के अंदर, इस रो में यहाँ पे फंक्शन में आउटपुट में वन है, हमें ये तीन पॉसिबिलिटीज लिखनी है, ए सिंपल फॉर्म में आएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट होगा और सी का भी कॉम्प्लीमेंट होगा, प्लस लिखेंगे ए सिंपल फॉर्म में, बी का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट। जी उसके बाद फिर इस रो की बात करें तो इसमें हमने लिखा ए सिंपल फॉर्म में, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, ये सेकेंड मिनटम बन गया हमारा। आगे फिर प्लस एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट, सम करते जाना आपने साथ साथ, और उसके बाद ये वाली रो देखेंगे हम, इसमें आउटपुट पर फंक्शन में वन है, दैट्स व्हाई इसका पेयर पिक करेंगे, ए सिंपल फॉर्म में, बी कॉम्प्लीमेंट और सी भी सिंपल फॉर्म में, ए सिंपल फॉर्म में, बी कॉम्प्लीमेंट, सी सिंपल फॉर्म। अगेन इस वाली रो को पिक करेंगे, यहाँ पे आउटपुट फंक्शन में वन है, सॉरी जी, ए सिंपल फॉर्म में, बी बी सिंपल फॉर्म में, सी का कॉम्प्लीमेंट, ए सिंपल फॉर्म में, बी सिंपल फॉर्म में, सी का कॉम्प्लीमेंट। फाइनली ये लास्ट पे देखें, इधर भी आउटपुट में वन है और यहाँ पे क्या बनेगा, ए बी और सी, ठीक है, ये जी हमारा फाइनल ऑप्शन। और अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है तो वो भी आपको बताया था मैंने, इसी को हमने कॉपी कर लिया रो को, यहाँ पे फंक्शन है एफ, उसका नाम दे दिया, और कितने वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, ए कॉमा बी कॉमा सी, देयर आर थ्री वेरिएबल्स, एट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की बात की जा रही है। जी बच्चों नेक्स्ट, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में इसका एक्सप्रेशन राइट करने का तरीका, इस वाले फॉर्म में ये भी आपको कल डिस्कस किया था, ए की वैल्यू क्या है, जीरो है, बी की वैल्यू वन है और सी की वैल्यू जीरो है, ये आप यहाँ से भी पिक कर सकते हैं। ये देखें ए जीरो है, बी वन है और सी भी जीरो है, ठीक है। तो ये किसका कोड बनता है, वन जीरो जीरो वन जीरो, ये टू का कोड बनता है, मतलब हमने यहाँ से ये समीशन लिखा, सम ऑफ मिन टर्म्स एंड स्मॉल, और ये टू यहाँ इस वाले की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद वन जीरो जीरो,
100 मतलब 104 का कोड बनता है, ये 4 लिख दिया। उसके बाद ये बाइनरी कोड मोस्ट इंपोर्टेंट है, टेबल आपको करवाया था, इसको रिकॉल कर लीजिएगा, ये आगे फर्दर फर्दर इस्तेमाल होने हर केस में। ये थर्ड कैटेगरी देखें, 101 ये 5 का कोड है, उसके बाद 110 6 का कोड है, और उसके बाद 111 जो कि 7 का कोड है। एक और चीज आपको बताई थी मैंने यहाँ पे, इधर अगर हम लिख लें तो ये 000 मतलब पहले वाला जो है वो एम नॉट कहलाता है, और आप डायरेक्टली यहां से वैल्यू बी पिक कर सकते हैं। एम नॉट जी यहां पे हम लिख लेते हैं एम वन, इधर फिर एम टू, एम थ्री, उसके बाद एम फोर, ये भी आपको बाद बुक्स को मिलेगा, उसके बाद एम फाइव, एम सिक्स और फाइनली एम सेवन। और फंक्शन में वन कहाँ पे है, यहाँ पे, ये यहाँ पे ठीक है, वन है और इसका टू आएगा यहाँ से। उसके बाद आगे कहाँ पे वन है, यहाँ पे ये वन है, यहाँ से क्या आएगा फोर आएगा, उसके बाद यहाँ पे वन है क्या आएगा फाइव, उसके बाद नेक्स्ट में वन है सिक्स और सेवन। तो डायरेक्टली आप यहाँ से टेबल से ये वाली टर्म्स लिखने के बाद भी लिख सकते हैं, तो लेकिन ये केयरफुली आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये 000 मतलब ये जीरो का कोड है, That's why I'm not आ रहा है। और जीरो से स्टार्ट किया, बाज बुक्स ने या बाज अगर आप इंटरनेट को देखें यहाँ पे 111 गिवन होता है, वो 7 का कोड बनता है। ये जीरो का कोड है, ये 1 का बाइनरी कोड है, ये 2 का है, ये 3 का है, That's why I'm not M1 M2 हमने लिखा है। और डायरेक्टली आप इस वाले फॉर्म को लिख सकते हैं सम ऑफ मिनटर्म्स, और फंक्शन में यहाँ पे 1 है, आउटपुट में That's why M2 पिक किया जा रहा है, और 2 यहाँ से हम ले रहे हैं, एम यहाँ से कॉमन आ गया और 2 लिखा गया, फिर आगे 4 है, 5 है, 6 और 7। ऑप्शन ये चीज आपको समझ आ गई होगी। और क्वेश्चन जब सिंप्लीफिकेशन के लिए आएगा तो ये भी फॉर्म दे सकता है सिंप्लीफाई करने के लिए, ये भी फॉर्म दे सकता है, इसको कन्वर्ट इस फॉर्म में, उसको कन्वर्ट इस फॉर्म में आपको करना आना चाहिए। नेक्स्ट प्रैक्टिस मैंने इसी की रखी है कि आप इसको जरा एक दफा परफॉर्म कर लें और ये जरा आपका कॉन्सेप्ट मैच्योर हो जाए। जी कन्वर्ट द फॉलोइंग फंक्शन इनटू स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। व्हाट अबाउट स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म? स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि जितने भी मिन टर्म्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट टर्म्स हैं, उनमें सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होने चाहिए। जी न्यूमेरिकल फॉर्म में गिवन था, फंक्शन है ए बी सी, थ्री वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है और सम ऑफ मिन टर्म्स उसमें 1 है, उसके बाद 4 है, 6 है और 7 है। तो 1 के अगेंस्ट हमें यहां से पता चलेगा कि कौन सा कोड मिलेगा, 1 का बाइनरी कोड आपको यहां पे आना चाहिए, 1 का बाइनरी कोड, इसको थोड़ा मैं एक्सपेंड कर लेता हूं ताकि हम 3 बिट्स की फॉर्म में लिख लें, बिकॉज 3 वेरिएबल्स हैं, दैट्स व्हाई 3 बिट्स हमें यूज करनी पड़ रही है। अगर 4 वेरिएबल्स होंगे तो 4 बिट का इस्तेमाल करेंगे, 2 होंगे तो हम 2 बिट का इस्तेमाल करेंगे, तो इसको 3 बिट्स की फॉर्म में लिखेंगे। 1 को तो कैसे लिखा जाएगा, 001। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे 4 की अगर हम बात करते हैं तो क्या कोड होगा, 100। उसके बाद अगर 6 की बात करें तो उसका क्या कोड बनेगा, 110। और 7 की बात करें तो उसका क्या कोड बनेगा, 111। और इसी के अगेंस्ट अगर हम बात करें तो ये 0 है, दैट्स व्हाई ए कॉम्प्लीमेंट, ये 0 है बी कॉम्प्लीमेंट, और ये 1 है, दैट्स व्हाई सी एज इट इज। उसके बाद जी नंबर सेकंड पैटर्न में प्लस एसओपी लिखना है हमने, और ए सिंपल फॉर्म में, उसके बाद 0 है बी कॉम्प्लीमेंट और 0 है सी कॉम्प्लीमेंट।
आगे पे वन वन है, ए सिंपल फॉर्म में, बी सिंपल फॉर्म में, और आगे जीरो है, दैट्स अ सी कॉम्प्लीमेंट। और फाइनली जो सेवन का है उसमें ए है, बी है और सी। ठीक है, ये हो गया जी हमारा स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन फ्रॉम द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। और कीप इन माइंड एक एमसीक्यू पॉइंट यहां पे रेज होता है कि अगर हम एसओपी एक्सप्रेशन लिखते हैं फ्रॉम द ट्रुथ टेबल दैट विल बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखें जी, कन्वर्ट एसओपी एक्सप्रेशन इनटू मीन टर्म्स फॉर्म, मीन टर्म्स की फॉर्म में आपने लिखना है इसको। जी ये हमारे पास ए और ए डॉट बी है और ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी है, फंक्शन है टू वेरिएबल्स का, दो पे डिपेंड कर। हाँ जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, ए सिंपल फॉर्म में वन आ गया उसकी वैल्यू, बी भी सिंपल फॉर्म वन आ गया, प्लस उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट दैट्स वाई जीरो है, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट दैट्स वाई यहाँ पे वन आएगा, सॉरी बी सिंपल फॉर्म में वन आ गया। और सम ऑफ मिन टर्म्स, ये किसका कोड है, थ्री का, और ये किसका कोड है, वन का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तरतीब से लिख लिया, पहले वन का लिख दिया उसके बाद थ्री का। ठीक है जी, ये थ्री है दैट्स वाई यहाँ पे थ्री आ गया और ये वन है यहाँ पे।